भाई दोगला है ये बहुत बड़ा। भाई सुबह सुबह तो माहौल अलग ही होता, अगर मैं सुबह मॉर्निंग में आता ना जो कोहरा था फोक था उस समय। पहलवान साहब बॉडी तो दिखाओ यार एक बार। ये भाई डाल लो नहीं वाला पानी। राम राम सारा ने। तो भाई काफी दिनों के बाद ये यूट्यूब पर ब्लॉग आ रहा है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई केदारनाथ की वीडियो आते आते चली कहाँ गई। तो भाई क्या हुआ था, जैसे मैं केदारनाथ से आया था भाई मेरा फ़ोन हैक हो गया था, मतलब अकाउंट से पैसे भी निकल गए, वीडियो भी चली गई, पूरा फ़ोन रिसेट ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब चलो ये तो हो गई पुरानी बात है, अब क्या ही कर सकते हैं, वो चीज़ तो आ नहीं सकती। पर बहुत जल्दी हम एक नई ट्रिप प्लान कर रहे हैं साइकिल से। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो पक्का वो साइकिल से जरूर करने वाले हैं। और वो ट्रिप होने वाली है राम मंदिर तक, अयोध्या तक हम लोग जाने वाले हैं अपनी साइकिल से। वो मेरे यहाँ से लगभग पड़ता है 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर तक हम जाने वाले हैं साइकिल से। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार बनाए रखें बस। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, आज बाइक से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ भी कुछ काम था। तो मैंने सोचा भाई बस से नहीं जाके बाइक से जाना ज़्यादा वो रहेगा क्योंकि मैं वहाँ से निकल सकता हूँ। तो अभी मैं हूँ भाई अपने गाँव के मेन रोड पर, और भाई सामने पूरा फोग फोग हो रहा है क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। आपको पता भाई बहुत दिनों से धूप निकल रही थी, आज तो फिर भी चलो धूप आई है। मैं तो पूरा कवर होके जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे घर से लगभग 40-50 किलोमीटर पड़ता है कॉलेज मेरा। तो बस से जाता तो मेरा काम हो नहीं पाता, तो मैंने सोचा भाई बाइक से जाना ज़्यादा सेफ रहेगा। भाई आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा फॉग, भाई आगे का गाड़ी आपको दिखना बंद हो जाएगी। अगर 100 मीटर आपसे गाड़ी दूर होगी ना तो गाड़ी दिखना बंद। देखो सूरज की रोशनी कितनी कम हो गई, इतना फोग है भाई रोडों पे। अभी सुबह के लगभग 7-7.5 बज रहे हैं, देखो भाई क्या फोग हो रहा है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई खजूरी कॉलेज, अभी पहुंचा नहीं हूँ खजूरी में अपने भाई की स्टूडियो, ये वाली डी की स्टूडियो। यहाँ पे भाई मेरे को थोड़ा डाटा लेना था मेरे को क्लाइंट को देने के लिए, भाई को सुबह से उठा के लेके आया हूँ कि भाई अपना काम सबसे पहले कर दो आप बस। भाई वही चल रहा है अपने कंप्यूटर में, भाई अपना सबसे पहले काम कर रहे हैं भाई। यहाँ से डाटा लेते हैं फिर चलते हैं पहले कॉलेज, फिर जाएंगे अपना डाटा लेने। भाई साहब अभी मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं, और भाई कॉलेज में देखो भाई फोग हो रहा है कितना कड़ा, और ठंड है ना भाई बवाल ठंड लग रही है, सच में बोल रहा हूं भाई ठंड बहुत तेज है। भाई मैं सोच रहा था मेरे गांव की तरफ मतलब बहुत ज्यादा कोहरा होगा, बहुत ज्यादा फोग होगा, पर नहीं भाई कॉलेज है ना दिख नहीं रहा। अब देखो वो बिल्डिंग धुंधली धुंधली सी, भाई वो है मेरा कॉलेज। और अभी तक पता कोई आया भी नहीं है भाई, मतलब मैं वो पागल बना दिया। बहुत जल्दी बुला कर भाई ये टाइम तक आना है, भाई मैं ये टाइम पे पहुंच चुका हूं भाई फॉर्म वगैरह जमा करने के लिए कॉलेज में, और ये लोग कोई भी नहीं आया। अब देखते हैं, एक भाई का फोन तो आया था कैंटीन में, भाई बैठा हुआ है मेरे लिए इंतजार कर रहा है कि ठीक है भाई। फिर भी उसको बोल देगी भाई मैं कॉलेज नहीं आया हूं, मतलब ऐसे तो कॉलेज आया हूं भाई मैं फॉर्म देने के लिए कॉलेज आया हूं, क्लास लेने के लिए कॉलेज नहीं आया हूं अभी। भाई साहब एक घंटे इंतजार करने के बाद हमारे अनमोल रतन आ गए हैं, ये हमारे कोई नूर है जो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हाँ भाई जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। सब आ चुके हैं, कौन आदित्य आ चुका भाई, वो शो में चला गया। भाई एक घंटा तुम लोगों ने लेट करवा दिया भाई, क्या ट्रैफिक था भाई। भाई धुंध देखेगा ना तू पागल हो जाएगा, धुंध देखेगा यहाँ बताता हूँ तुम लोगों को भाई क्या सीन है। पहले अपना काम करते हैं जिसके बाद देखते हैं भाई क्या सीन है। कहाँ हुआ भाई? भाई जोरों शोरों से मेहनत चल रही है फॉर्म भरने के लिए, सब लगे हुए अपने फोन के, पूरे कॉलेज में हम लोग ही बाहर है बस कॉलेज के। भाई हमारा जा रहे हो दोनों भाई देखे आ रहे हो जी भाई? भाई मेरा भी ले रहा, मेरी बहनों के पास होगा यार, बहनों के पास होगा दे देंगे ना तेरी, वो नहीं देंगे इसलिए तो मेरे को बुलाया गया है। चल मैं फोन लगा बोलो, तुम तीनों जा रहे हो, तुझे तो एप्लीकेशन लिखवानी थी मेरे साथ होके।
भाई दोगला है ये बहुत बड़ा ठीक है चलो तो अपन लोग ही लिख लेते हैं। भाई साहब अभी कॉलेज के अंदर आ गए ऑफिस में बैठे हुए भाई अपना काम निपटाए पहले तो फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई साहब अभी हम लोग आ चुके हैं कॉलेज के बाहर भोपाल मतलब भोपाल में तो कॉलेज ही भाई कॉलेज में ही काम है। अभी हम लोग आए लेक पे अब वो जिस साइड की जो लेक है ना जहाँ पे ब्रिज पड़ता उधर और व्यू देखो भाई इधर सही है का भाई सुबह सुबह तो माहौल अलग ही होता अगर मैं सुबह मॉर्निंग में आता ना जो कोहरा था फोग था उस समय तो माहौल कुछ अलग ही होता। अभी हम लोग आए भाई ये पार्क में पार्क में आए भाई टिफिन वगैरह खोल रहे हैं भाई लंच कर लेते हैं जिसके बाद हमें और कहीं जाना है आज एक जगह एक प्रोग्राम था हम लोगों का तो वहाँ जाना है। देखते भाई टिफिन में लिए लोग लेके क्या क्या आए हुए हैं हमारे बॉडी बिल्डर पहलवान साहब भी यहीं पे हैं। पहलवान साहब बॉडी तो दिखाओ यार एक बार ये डोले खड़े खो रहे भाई भाई पहले टिफिन फिनिश कर दें जिसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। भाई एक भिंडी आई है अचार आए है खाना वाले में पेट पूजा पहले करते हैं इसके बाद काम पूजा करेंगे। भाई भाई कॉलेज पूछ चुके हो अभी चल रहा है यहाँ पे मेकअप होता पाती चल रही है लपक के अपना तो पक्का कलर धूप में ज्यादा जाएंगे ज्यादा पक्का हो जाएगा पहलवान। भाई एक नया ग्रुप बनाना ही पड़ेगा भाई अभी जाते हैं पार्टी में और मचाते हैं भाई बहुत ज्यादा भी दो दोस्त और आ रहे हैं उन लोग शादी मजे मजे लेने वाले हैं और सबको जो कलर था जो ब्लैक चूज किया था इन लोगों ने किसी ने पहना नहीं मैं पहन के आया हूँ भाई अभी दूसरे कॉलेज में हमारे कॉलेज से हट के पार्टी करने आए हैं भाई पार्टी में कॉलेज चेंज कर दिया और हम लोगों ने छः सात लोग हैं हम लोग ये लोग हैं दो लोग और आ रहे हैं बहुत मजा आने वाला है। अरे भाईचारा आ रही है आ गए आ गए आ गए दो भाई उन्हीं भी आ गए जाते हैं पार्टी में मिलते हैं आप लोगों से। भाई साहब अंदर बज गए डांस चल रहा है वहाँ पे भाई ये है कोई गुनाही सही पर भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले कॉलेज की क्लासेस सीट देख रहा हूँ बेंचो सही हो रखी है और हमारे कॉलेज की सीटें पट्टी लगे हैं पट्टी क्योंकि मैं कह रहा भाई इस कॉलेज की सीटें कितनी गद्दी वाली है और वो वाली अपने कॉलेज की सीटें पट्टी दे लगे हमारे को मारने के लिए एक दूसरे को सब हम लोग आ चुके हैं पार्टी में जाएंगे बहुत टेढ़ी वाली और अभी हम लोग बैठे हैं सीरी अरीबे खाने के लिए आए हुए हैं। भाई भाई दाल बापले घर से लेके आया था चाय यहीं से ले ली बाकी अभी और भी ऑर्डर किया हुआ वो भी आने वाला है। भाई आते ही भूखे वीडियो की तरह टूट पड़े हैं भाई खाने की तरफ सूत दो भाई अब तो टूट पड़ो भाई शुरू हो जाओ अब इसका क्या करूं मैं घर ले जाऊं ये भी सही है भाई खा पी के मुझे घर ले जाने को बोल रहे हैं भाई ये भाई इतना सीरियस होकर क्यों चाय पी रही है अच्छा अच्छा भाई डाल लो नहीं वाला पानी ओ ये तो कीचड़ लगता कीचड़ सफेद अली कीचड़
सफेद वाली टी-शर्ट ये भैया भाई खा पी के मैं निकाला हूँ अपने घर के लिए, और घर वालों ने भाई काम भी दे रखा था तो वो वाला काम भी सिमट लिया भाई। रास्ते में ये चीज दिखी मैंने कि भाई चलो ये भी ले ही लेते हैं, खा पी के आ गए अब कल जाएंगे कॉलेज। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप भाई आपको मजे आ रहे होंगे। और माफी चाहता हूँ भाई, केदारनाथ की सीरीज डिलीट हो चुकी है मेरे फोन से, हैक हो गया था इसके कारण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है।